महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से टाउन हॉल में कसाबों के लिए तरबियती सेमिनार मुनाकिद किया गया। सेमिनार में मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद, डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ने शिरकत की है। तफसीलात जान लेते हैं इमरान मलिक से। इमरान मलिक, तरबियती सेमिनार मुनाकिद किया गया, तफसीलात क्या है? की आमद आमद है और इस वाले से आज महकमा लाइफ स्टॉक के जरिए तमाम ये इजलास और सेमिनार मुनाकिद किया गया। इजलास की सदारत जो है वो मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद ने की है। मेयर लाहौर का कहना था कि जो इस वक्त मंडियों में फ्री मंडियां की गई हैं वो वज़ीर आला पंजाब जो सबका वज़ीर आला पंजाब है शहबाज शरीफ, उनकी वजह से हुई और 15 अरब का बिजनेस जो है वो इस साल किया जा रहा है। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद यूनस ने भी इजलास में शिरकत की और उनका ये कहना था कि ये शहर हमारा है, इसे साफ सुथरा रखना है और इसकी जिम्मेदारी भी इस साल जो है वो जिले गवर्नमेंट पे है। और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था कि कुर्बानी की खालें किसी माहिर कसाई से ना करवाएं। जबकि इमरान, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का अहम इजलास हुआ है, क्या तफसीलात हैं, इजलास का अहवाल क्या है? हाँ जी बिल्कुल, आज जो है वो चूंकि ईद कुर्बान की आमद आमद है तारीख और इस वाले से आज मास्टर प्लान जो है वो इस वाले से आज जनरल मैनेजर ऑपरेशन सुहेल मलिक ने यहाँ पर तमाम जितने भी अफसरान हैं और जेडोज हैं एएम हैं उनको मधु किया हुआ था। और शहर लाहौर में चूंकि तीनों रोज जो है वो सफाई की ही सूरत हाल को देखा जाना है, 18,000 से वर्कर्स जो है वो फील्ड में काम करेंगे, जनरल मैनेजर का ये कहना था। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जनरल मैनेजर सुहेल मलिक का ये भी कहना था कि असिस्टेंट मैनेजर और जोनल अफसरान जो है वो तमाम जो है वो कैंप्स पर मुतहरिक रहेंगे। ईद से कबल फील्ड वर्कर्स 21 लाख वेस्ट बैग तकसीम करेंगे जबकि 18 मॉडल कैंप्स लगाए जा रहे हैं। इस ईद पर सफाई की तकीद का स्लोगन एलडब्ल्यूएमसी का है और इमरान मलिक।